हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप बिल्कुल ठीक ही होंगे गाइस। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी। देखिए गाइस, टुडेज आई एम मेकिंग मशरूम करी। गाइस, दिस इज़ माय फेवरेट वेजिटेबल, इसीलिए गाइस मैं इसको आज बना रही हूँ। देखिए, ये मशरूम 4-5 दिन के हैं, क्योंकि गाइस मैं इसे इसलिए बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी भी थोड़ी बहुत ख़राबी है, लेकिन तब भी इसीलिए मैंने अपना फेस आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ। देखिए, ये हमारा मशरूम है, इसे मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखिए, इसको मैंने 4 पीसेस में काट रखा है। और यहाँ है हमारा प्याज और टमाटर, जिसे मैंने ये देखिए गोल गोल बड़े बड़े साइज में काटा हुआ है। गाइस, ये डिश भी मेरे पापा की ही है जिन्होंने मुझे सिखाया है। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे पीसेस में काट रखा है। और अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। और इसके साथ साथ मैं लहसुन भी लूँगी और अदरक भी लूँगी, जिन इन चारों को मैं मिला के लहसुन में पीस लूँगी और सारा पेस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए, जब भी मैं किचन में आ जाती हूँ ना, मेरे पैट्स ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आज इनके लिए ही कुछ बन रहा है, और ये ऐसे इंतज़ार में रहते हैं कि अभी इनकी मम्मा इन्हें कुछ देगी। ये देखिए, एक तो कितना उदास है टमाटर खाने के लिए। देखिएगा ना गाइस, ये कैसे टमाटर लेके भागेगा। ये देखिए, ये टमाटर का इतना बड़ा दीवाना है ना, कोई कुत्ता आपने देखा है ज़िंदगी में टमाटर खाने वाला? ये देखिए, खुशी खुशी उसने टमाटर खा लिया। देखिए, है ना ये इतना बड़ा दीवाना टमाटर का। चलो अब दोनों बाहर निकलो गाइस, मैं इनको बाहर भेजती हूँ। और देखिए, मैंने हैंड वॉश भी कर लिया। आप सब सोचेंगे मैंने हैंड वॉश नहीं करा है। देखिए, मैं साबुन से हैंड वॉश कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको इसे पीस के दिखाती हूँ कि मेरा मसाला क्या होगा। चलिए फिर, ये देखिए अभी भी ये दोनों खड़े हैं यहाँ पे। रॉकी और टाइगर, बाहर निकलो, चलो गो बैक टू योर रूम। रॉकी, देखो मेरा टाइगर चले गया, वो बहुत समझदार है। ये देखिए, जाओ टाइगर अंदर जाओ। ये देखिए, इतना सा बच्चा, टाइगर गो बैक। इतना सा बच्चा सब समझता है, लेकिन ये नालायक इतना बुढ़ा ये कभी नहीं समझता। ये यहीं खड़ा रहेगा जब तक इसे कुछ मिलेगा नहीं। चलेगा, इसमें मसाला पीसने के बाद आपसे मिलती हूँ। माय मसाला ऑलमोस्ट रेडी। देखिए, अनियन बारीक पिस चुका है, मुझे इतना ही दरदरा चाहिए था। और ये है टमाटो गाइस, ये है जीरा, धनिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट। गाइस, मुझे सिल पे पिसा हुआ ही मसाला बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसे सिल पे ही पीसा है। देखिए, चलिए मैं बनाती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले डालूँगी तेज़पत्ता, ठीक है, और 2 से ज़्यादा नहीं डालूँगी। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा ऐसा टेस्ट देता है ना, जैसे कि ये मटन होगा या फिर ये चिकन होगा, ये कुछ ऐसा टेस्ट देता है। और गाइस, मैं इसमें इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए ना, ये जो सूखी बड़ियाँ होती है ना, जिसकी रेसिपी मैं आपको दिखा चुकी हूँ एक बार, वो सूखी बड़ियाँ मैं थोड़ी सी लूँगी और इसमें डाल दूँगी, ताकि ये हमें खाली खाली मशरूम खाने को ना मिले। क्योंकि मैं इसमें मटर नहीं डाल रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठी कर देती है। और मैं इसमें गोभी भी नहीं डाल रही हूँ, हमने कल ही गोभी खाई, गोभी का पराठा खाया था, इसलिए मैं इसमें ये कुछ बढ़िया डाल रही हूँ, जिससे अच्छा तरीदार स्वाद हो और चावल भी खाने को मिले। क्योंकि मेरे भैया है ना, वो रात को चावल खाते हैं, इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी बढ़िया डाल रही हूँ, ताकि बहुत अच्छा एक सूप आए और एक टेस्ट अलग ही से स्वाद आता है यार। आप लोग कभी हमारे घर में आओगे ना, तब आप मुझसे यही फरमाइश करना कि हमें ये खिला दो, तब मैं आपको पक्का ये बना के खिलाऊँगी। चलिए, हम इसे थोड़ा सौते कर लेते हैं गाइस। देखिए, इसे मुझे बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा, इसीलिए मैं मशरूम को बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ना, मैं मशरूम को सबसे लास्ट में डालूँगी। पहले मैं सिर्फ इसे ही पकाती रहूँगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और मशरूम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इसको पकाते 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 मेरे मशरूम का पानी बन जाएगा, इसीलिए मैं इसको पहले बनाऊँगी मसाले के साथ। स्वाद बहुत अच्छा आएगा गाइस। गाइस, हमारा कमेंट्स वाला तो खुल गया है, आप सब कोई कमेंट्स करते ही नहीं है, कुछ पूछते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है। क्या कोई नाराज़गी है क्या हमारी डिश पे?
देखिए ये हमारे ब्राउनिश हो चुके हैं क्योंकि तेल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हॉट था। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। हमारी प्लेट और गैस की आँच में थोड़ी कम कर लेती हूँ और सिर्फ इसे इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए दिख रहा ना इतना टेस्टी गाइस। आज मैं इसे तो खा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, सिर्फ मैं इसे बनाने का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे भी इसकी रेसिपी शेयर करनी थी ना, इसीलिए। चलिए मैं इसे निकाल के आपको बताती हूँ। मैंने इसमें मसाला डाल दिया जो छिल के पीसा था, यार थोड़ा सा तेल छोड़ने लगे इतना मैं इसे भून लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जो मेरा पिसा हुआ इंजन है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए मेरे मसाले ने ना तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें जो मेरा प्याज है पिसा हुआ वो प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे भी मैं थोड़ा पानी छूटने तक भून लेती हूँ ताकि इसका पानी सारा। और मैं सारी डिश ऐसे बनाती हूँ ना ताकि इसका फ्लेवर वेजिटेबल्स जैसे ना लगे, वो ऐसा लगे जैसे कि हम मटन तो नहीं, स्पेशली हम मटन ही खा रहे हैं। चिकन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। देखिए अभी ये तेल छोड़ने लगेगा, तब मैं दिखाऊंगी आपको। ये मेरा मसाला कलर आप सोच रहे हैं ऐसा कैसा हो गया। मैंने इसमें हल्दी डाल दी और इसमें नमक भी डाल दिया है। ये तो कुछ स्वाद अनुसार होता है, आप इतना डाल ही सकते हैं ना। तेल हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, आपने देखा था मैंने कितना डाला था। हमें बस खाना बनाने में पेशेंस की ज़रूरत होती है, आई मीन संयम सबूरी उस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। ये देखिए तेल कैसे अपने आप छूटने लगा है ना, देखिए वेरी टेस्टी गाइस। आई एम स्पीचलेस सीरियसली। गाइस आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, आप इतना सा हमसे सपोर्ट कर लीजिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। शुरू शुरू में आपको थोड़ा बोर लग सकता है लेकिन आगे चल के आपको हमारी पूरी वीडियो अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। चलिए अभी प्याज तो भून गया है और अच्छे से पक जाएगा। मैं इसमें ये जो मेरा टमाटो पेस्ट है गाइस, अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। देखिए ये अब प्याज और अच्छे से पक जाएगा। इसी इसमें ये बढ़िया पहले ही डाल दूँगी क्योंकि बहुत हार्ड होती है, इसलिए मैं इसमें इसे मिला देती हूँ। और ये जब तक मसाला अच्छे से पकेगा तब तक ये बढ़िया भी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी शायद, तो तब तक ये पकता है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। गाइस अब ये पक के कुछ ऐसा हो गया है और मैं जो चाहती थी कि मेरी बढ़िया इतनी सॉफ्ट हो जाए कि मेरा मशरूम गले ना। देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए हो गया है ना। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपने मशरूम को, और मशरूम को तो बस डाल के सॉटे करके निकालना होता है। देखिए मैंने धो लिया इसे, अब मैं इसमें अपने सारे मशरूम डाल देती हूँ।
मैंने डाल दिए हैं सारे मशरूम। अभी आपको ये पीछे से डकार आई है ना, जो मेरी भाभी की डकार थी, इसे मैं काटूंगी नहीं बिल्कुल भी। देखिए गाइस, ये अभी पक के ना कम हो जाएगा। मशरूम और पनीर तो ऐसे ही होते हैं, दिखते ज़्यादा हैं लेकिन पकने के बाद एकदम कम हो जाते हैं। और मुझे अगर पानी कम लगेगा, तरी कम लगेगा तो मैं इसमें डाल लूँगी। चलिए अब इसे मैं पूरा रेडी होने के बाद ही आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिए मेरी रेसिपी बन चुकी है, मशरूम विद बड़ा। देखिए ये राइस है, हम मोटे ही चावल खाते हैं और इसमें आम का अचार है और ये पराठे हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे किसी के साथ भी और कैसे भी खा सकते हैं। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रे मेरे मशरूम। देखिए गाइस ये कितना लजीज लग रहा है ना। ये लीजिए एक बाइट आप भी। चलिए गाइस, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके गाइस, बाय। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।